हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टेक्निकल ज्ञान। फ्रेंड्स, टेक्निकल ज्ञान में आज बात करेंगे कि मोटर पर VFD क्यों लगाते हैं। ऑलमोस्ट जो इलेक्ट्रिकल फील्ड से उन्हें पता होगा कि मोटर पर VFD क्यों लगाते हैं, बट उन्हें एक ही या दो रीजन पता होंगे। मैं आज आपको पांच रीजन बताऊंगा, इसके पांच बेनिफिट बताऊंगा कि मोटर पर VFD का क्या एडवांटेज है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एडजस्टेबल ऑपरेटिंग स्पीड की। एडजस्टेबल ऑपरेटिंग स्पीड का मतलब ये होता है कि कोई भी मोटर हमारी है उसमें हम स्पीड को एडजस्ट कर सकते हैं। सपोज़ हमने इस मोटर को VFD के थ्रू नहीं, सपोज़ हमने ड्यूल स्टार्टर या स्टार डेल्टा स्टार्टर से हमने VFD को रन कराया, तो VFD का जो RPM होगा 3000 RPM किसी का या 1500 RPM जो मोटर के RPM होते हैं, वो जब ड्यूल या स्टार डेल्टा स्टार्टर पर रन करेगी तो 3000 RPM पे ही रन करेगी, उसे हम कम नहीं कर सकते उसके RPM पे। जब हम VFD का यूज करते हैं वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव का, तो क्या कर सकते हैं हम इसमें स्पीड को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो एक ये हमें एडवांटेज VFD को यूज करने से, कंट्रोल करने से, मीन्स जब हम मोटर को VFD के थ्रू रन कराते हैं तो ये हमें एक एडवांटेज मिलता है कि हम उसकी स्पीड को कम करा सकते हैं, वेरी करा सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट एडवांटेज हो गया। सेकेंड एडवांटेज है कंट्रोल स्टार्टिंग करंट। हम सबको पता कि कोई भी मोटर होगी जब स्टार्ट होगी तो वो इनरस करंट ज़्यादा लेगी, टेक्निकल लैंग्वेज में ज़्यादा करंट ज़्यादा कैरी करेगी, स्टार्टिंग के टाइम पे ज़्यादा एम्पियर लेगी। तो जनरली अगर हम बात करें, कोई भी स्टार्टर के थ्रू हम मोटर को रन कराते हैं तो मोटर क्या करती है, अपनी जो रेटेड करंट है उसे 4 से 5 टाइम्स ज़्यादा एम्पियर ड्रॉ करती है। सपोज़ हमारी कोई मोटर है वो 10 एम्पियर करंट ड्रॉ कर रही है, बट जब स्टार्ट करेंगे तो क्या करेगी, 4 से 5 टाइम्स ज़्यादा एम्पियर ड्रॉ करेगी, मीन्स वो क्या करेगी 40 से 50 एम्पियर ड्रॉ करेगी। तो बार बार अगर हम इनरस करंट ज़्यादा देंगे, स्टार्टिंग करंट ज़्यादा देंगे, तो मोटर हमारी फूक सकती है, उसका इंसुलेशन फेलियर हो सकता है। तो अब इसका एक एडवांटेज ये है कि जब हम इसको VFD पे कनेक्ट कर देते हैं तो ये सारी प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाती है। तो एक VFD का ये भी एडवांटेज है कि हमारा जो स्टार्टिंग या इनरस करंट है उसको भी ये कम कर देता है और हमारा स्मूथ ऑपरेशन होता है VFD के थ्रू। तो ये हो गया सेकंड हमारा VFD का यूज। हमारा जो एडवांटेज है वो है एनर्जी सेविंग का VFD का। अगर हमारा कोई मोटर इसमें कनेक्ट है VFD के थ्रू तो उसमें एनर्जी सेविंग होगी। वो कैसे होगी, एक एग्जांपल समझते हैं। आप इससे बिजली का बिल भी बचा सकते हैं काफ़ी। सपोज़ हमने कोई मोटर है 10 किलोवाट की, हमने कोई मोटर कनेक्ट कर रखी है, कुछ टाइम के बाद हमें क्या करना है, उस मोटर को 6 किलोवाट का ज़रूरत है, हमें 6 किलोवाट का लोड ही यूज करना हो 10 किलोवाट की मोटर पे, तो आप नॉर्मल स्टार्टर से उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, वो 10 किलोवाट के हिसाब से ही करंट को ड्रॉ करेगी, उसके हिसाब से उसके KWH आएंगे, तो उसी हिसाब से उसका बिल बढ़ता रहेगा। अगर हमें इसको 6 किलोवाट के हिसाब से चलानी है 10 किलोवाट की मोटर को, तो VFD के थ्रू हम क्या करेंगे, इसको 6 किलोवाट पे भी हम चला सकते हैं, रन करा सकते हैं, तो हमारा बिजली का बिल जो है रिड्यूस हो सकता है, जो हमारी एनर्जी है वो भी सेव हो सकती है। तो ये थर्ड हमारा एनर्जी सेविंग हो जाएगी VFD के थ्रू अगर हम मोटर रन कराते हैं तो। फोर्थ बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री में देखा गया है मैकेनिकल टर्म। अब मैकेनिकल टर्म क्या है, VFD का मोटर से इसका क्या कनेक्टिविटी है वो मैं बताता हूँ। सपोज़ आपने कोई गियर बॉक्स वाली मोटर देखी होगी, जो गियर बॉक्स से कनेक्ट होती है मोटर, तो उसमें क्या है, VFD लगाने का क्या एडवांटेज है, अगर हम बिना VFD के गियर बॉक्स वाली कोई भी मोटर है उसको हम रन कराएंगे तो सडन अगर रन करेगी तो उसका जो स्टार्टिंग टॉर्क है, एक्सेलरेशन है, वो ज़्यादा मिलेगा और क्या है, मोटर में डैमेज होने का पार्ट ज़्यादा है, मोटर जलने के चांसेस ज़्यादा। बट जब हम VFD कनेक्ट करते हैं तो VFD हमारी क्या है, सडन 50 हर्ट्ज पे काम नहीं करेगी, वो पहले 10 हर्ट्ज पे जाएगी, फिर 15, फिर 20 हर्ट्ज, फिर 30 हर्ट्ज, फिर 40 हर्ट्ज, फिर 50 हर्ट्ज पे हमारी रन करेगी। तो इससे क्या होगा, उसको एक्सेलरेशन धीरे धीरे मिलेगा, तो हमारा जो गियर बॉक्स है जो मोटर से कनेक्टेड है वो धीरे धीरे चलता रहेगा और चलने के बाद एक कुछ टाइम के बाद एक अपनी स्पीड में आ जाएगा, जिससे क्या है कि हमारी मोटर डैमेज नहीं होगी और हमारा जो एडवांटेज है, जो हमारा पर्पज़ है, वो सॉल्व हो जाएगा VFD लगाने का। तो VFD लगाने से एक ये भी है कि जो भी गियर बॉक्स से रिलेटेड मोटर है, सपोज़ हमारा कोई साल्ट चार्जिंग की मोटर है, जो एग्रीगेटर मोटर होती है, उसमें हमारा गियर बॉक्स मोटर से कनेक्ट होता है, तो अगर हम VFD उसमें कनेक्ट कर देंगे तो सडन वो स्टार्ट होकर उसको डैमेज नहीं करेगा गियर बॉक्स को और मोटर को, वो धीरे धीरे स्टार्ट करके उसको कुछ टाइम के बाद फुल ऑपरेशन में लेके आएगी। तो इस तरह से VFD का एडवांटेज मैकेनिकल टर्म में पॉइंट ऑफ व्यू से है, जहाँ पर हमारी गियर वाली मोटर इंडस्ट्री में यूज की जाती हैं। फिफ्थ और हमारा जो लास्ट पॉइंट है,
VFD के एडवांटेज में, वो पावर फैक्टर है। मींस अगर इंडस्ट्री में क्या करता है, जो VFD है पावर फैक्टर को भी हमारा इंप्रूव करता है। पावर फैक्टर को लेकर हम इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं कि अगर हमारा पावर फैक्टर मेंटेन नहीं रहेगा तो हमें इलेक्ट्रिसिटी विभाग से पेनल्टी पड़ जाती है। तो और जो पेनल्टी पड़ती है वो ठीक ठाक पड़ती है, अगर हमारा मैक्सिमम डिमांड ज़्यादा आता है, पावर फैक्टर हमारा लो जाता है। तो पावर फैक्टर को भी ये इंप्रूव करता है। वो कैसे करता है, सपोज़ हमने कोई लो वोल्टेज हमारे पास VFD है जो 415 वोल्ट पे काम कर रहा है, लो वोल्टेज VFD है, उसके अंदर क्या है, एक सिस्टम लगा होता है फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। ये क्या करता है, AC को DC में कन्वर्ट करता है। तो इसका जो सिस्टम होता है वो हमारा पावर फैक्टर को भी मेंटेन करता है। मींस वो पावर फैक्टर हमारा इस हद तक मेंटेन करता है, 0.95 तक हमारे पावर फैक्टर को मेंटेन करता है। जबकि अगर हमारी कोई ऐसे मोटर रन कर रही है तो आपको पता है कि उसका जो पावर फैक्टर होगा 0.8 होगा। बट जब हमारा पावर फैक्टर इसके थ्रू रन कर रहा होगा लो वोल्टेज VFD के थ्रू, तो इसमें जो सिस्टम लगा होता है फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर जो AC को DC में कन्वर्ट करता है, तो इसका जो सिस्टम है वो पावर फैक्टर को मेंटेन कर रहा होता है 0.95 तक। इससे क्या है कि हमारा जो पावर फैक्टर है इंडस्ट्री का, मोटर का जो पावर फैक्टर है वो भी इम्प्रूव होता है। तो हम किसी भी तरीके की पेनल्टी से बच सकते हैं। तो जो VFD का एडवांटेज है, जो 5 एडवांटेज मैंने आपको बताए हैं, इसके अलावा भी 1-2 एडवांटेज इसमें ये हैं कि शॉर्ट सर्किट, ओवर वोल्टेज या अंडर वोल्टेज, इस तरह के जो प्रोटेक्शन है वो भी मोटर को हमें प्रोवाइड हो जाते हैं। ये एक एक्स्ट्रा जो सेफ्टी है उसकी, जो VFD का माइक्रोलॉजी होती है उसमें सारी सेफ्टीज दी जाती हैं, शॉर्ट सर्किट, ओवर वोल्टेज, अंडर वोल्टेज एंड इनरस करंट का कोई भी ऐसा प्रोटेक्शन होता है, तो वो सारी चीज़ें उसमें मेंशन की जाती हैं। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा, मैंने 5 रीजन बताया कि VFD के क्या क्या एडवांटेज हैं मोटर जब रन कराते हैं VFD के थ्रू, आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं ऐसे किसी और वीडियो में नए लॉजिक के साथ, नए टेक्नोलॉजी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।